सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ याकूजा फियंस सीजन 1 एपिसोड 4 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है मियामा क्रिश्यामा जो कि सोमो से मिलता है एंड उसे कहता है नाइस टू मीट यू सोमो। उसके बाद वो उससे बोलता है कि ये हम दूसरी बार मिल रहे हैं, तुम्हें पता है मुझे नहीं पता कि तुम जो है वो स्टूपिड हो या स्मार्ट, बट हाँ क्योंकि हमारी दूसरी मीटिंग है तो ये कहना सही नहीं होगा। उसके बाद जो सोमा होता है वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने बताया यहाँ के बारे में। तभी जो क्रिश्यामा होता है वो उसे बताता है कि मैं यहाँ पे यूजिनो को पिक करने के लिए आया हूँ। तो जो सोमो होता है वो उसे कहता है क्या तुम उससे लड़ना चाहते हो। तो क्रिश्यामा कहता है कि नहीं, मैं तुमसे कैसे लड़ सकता हूँ, वैसे भी मैं यूजिनो की फैमिली मेंबर से नहीं लड़ सकता। उसके बाद जो सोमा होता है उससे कहता है आखिर तुम किसके ऑर्डर से हमें फॉलो कर रहे हो। तो क्रिश्यामा उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे प्रेसिडेंट मियामा या कोई और फोर्स कर रहा है तुम्हें फॉलो करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है और मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें पता है मुझे ये भी पता है कि जो यूजिनो है वो टोक्यो में इसलिए नहीं आई है कि वो मुझसे शादी कर सके, बल्कि उसका कुछ और ही मकसद है। और साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि जो सोमी लीडर हैं उनका भी कोई अच्छा मकसद नहीं है, वो मुझसे जो है पर्सनली अपना फायदा निकाल रहे हैं एंड मैं भी उनसे जो है अपना फायदा निकाल रहा हूँ। सिंपली अगर मैं बात करूँ तो दोनों के बीच जो सौदा है वो फायदे का है, विन और विन की सिचुएशन है। तो जो जो सोमा होता है वो ये सुनकर कहता है विन और विन का सिचुएशन, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा क्या फायदा है। तो ये सुनकर जो मियामा होता है कहता है कि मैं तो मेरा इसमें कोई भी फायदा नहीं है, मैं तो यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं जो हूँ वो यूजिनो से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ एंड उससे शादी करना चाहता हूँ, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी जब मैं उससे शादी कर लूंगा तो तुम तो मेरे साले बन जाओगे। तभी वहां पे जो है यूजिनो आ जाती है एंड वो उससे कहती है मियामा को देख के कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मियामा को जो होता है वो यूजिनो के पास जाता है। तभी जो यूजिनो होती है उससे कहती है तुमने अच्छा मुझे ढूंढा किस कैसे। तभी यूजिनो को पता चल जाता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा एंड वो उससे कहती है कि जल्दी से मुझे वो चीज दे दो। ये सुनकर जो मियामा होता है वो कहता है मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगी एंड वो सिंपल उसका फोन निकाल के उसको दे देता है। उसके बाद जो यूजिनो होती है वो सोमा को बताती है कि देखो ये मियामा एक ऐसा आदमी है जिसने मेरे फोन का क्लोन बना लिया एंड उससे जो है वो मेरा लोकेशन शेयर करता रहता है अपने साथ। और वो मियामा को कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो मियामा होता है कहता है कि सॉरी अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सुनकर जो यूजिनो होती है वो उससे कहती है कि तुम हमेशा यही बोलते हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगे हो। उसके बाद जैसे ही वो मियामा के साथ जाने लगती है जो सोमा होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है कि तुम्हें जो है वो मेरे साथ चलना चाहिए ओजाका, तुम्हें यहाँ पर अब नहीं रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी तो यहाँ पे कोई इज्जत भी नहीं करता है। तो ये सुनकर जो यूजिनो होती है वो कहती है कि ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मुझे फिलहाल जो है वो इसके साथ जाना होगा कि मियामा के साथ। तो जो वो सोमो होता है वो कहता है तुम इस किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सोमी लीडर को जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है। तभी पीछे से जो कहते क्रिश्यामा होता है वो आ जाता है एंड जो यूजिनो होती है वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि जो क्रिश्यामा है वो थोड़ा पागल है, बट अभी फिलहाल मुझे जो सिचुएशन है उसके हिसाब से क्रिश्यामा के साथ ही जाना होगा। तभी क्रिश्यामा पीछे से यूजिनो का हाथ पकड़ लेता है एंड वो कहता है कि मुझे पता है तुम वापस नहीं जाओगी एंड तुम मेरे साथ चलोगी। और उसके बाद वो कहता है कि मैं ही वो बेस्ट पर्सन हूँ जिसके साथ तुम्हें शादी करनी है। एंड उसके बाद जो सोमो होता है वो कहता है नहीं यूजिनो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा वापस होजाका। ये सुनकर जो क्रिश्यामा होता है वो कहता है कि जो यूजिनो है वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी और यही तुम्हारा आंसर है। ये सुनकर और उसके बाद जो क्रिश्यामा होता है वो एक बहुत बड़ी बात कह देता है कि सोमा तुम जो हो वो हमारी फैमिली में से नहीं हो, तो तुम्हें हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, एक आउटसाइडर को हमारे बीच में बोलने की कोई खास वजह नहीं है यहाँ पे। उसके बाद जो यूजिनो होती है ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहती है तुम अपने मुंह को बंद करो क्रिश्यामा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सोमा को आउटसाइडर कहने की, वो मेरा फैमिली मेंबर है समझे, आउटसाइडर तो तुम हो। ये सुनकर जो क्रिश्यामा है उसे समझ में आ जाता है कि यूजिनो गुस्सा हो गई है, तो कहता है माफ कर देना मुझे, मैंने शायद कुछ ज्यादा बोल दिया। एंड उसके बाद जो यूजिनो होती है वो सोमा को कहती है कि थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, बट मैं ठीक हूँ, मुझे फिलहाल जो है क्रिश्यामा के साथ जाना होगा, सो मैं तुम्हें कल मिलूंगी ओके। उसके बाद वो जो है चले जाते हैं। तो हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर स्टेशन पर जो सोमा होता है वो बैठा होता है अपनी ट्रेन के इंतजार में एंड यूजिनो वहां पे आती है और कहती है कि आखिर मैं टाइम पे पहुंच गई, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था यहाँ पे टाइम पे पहुंचना, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था। इसके बाद वो जैसे ही बैठती है वो जो सोमा होता है उससे पूछता है आखिर वो कहाँ है। तो जो यूजिनो होती है वो कहती है कौन मियामा, वो उसको तो मैं घर पे छोड़ाई, वो घर पे ही था, मैंने उसे कुछ नहीं बताया और मैं यहाँ पे आ गई तुमसे मिलने।
उसके बाद जो यूजिनो होती है उससे कहती है, तुम्हें पता है अगर मैं कुछ भी नहीं करती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को खो रही हूँ और मैं यहाँ से छोड़कर भी नहीं जा सकती, पता नहीं मैं क्या करूँ। इसके बाद में बताया जाता है जो सोमो होता है वो उससे कहता है कि यूजिनो तुम जो है वो अपने इज्जत को एंड अपने गर्व को जो है वो यहाँ पे फालतू में फेंक रही हूँ, मतलब कह कह सकते हैं तो अपने इज्जत को एंड अपने जो नियम है तुम उन सभी को किसी और के लिए छोड़ रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड उसके बाद हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है रेलवे स्टेशन की तरफ से कि जो नोजामी नंबर 203 का जो एक ट्रेन है वो आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे। इसके बाद जो सोमो होता है वो उठ के जाने लगता है ट्रेन की तरफ, तभी जो यूजिनो होती है उससे कहती है, सुनो सोमो मैं मानती हूँ कि मैं जो हूँ वो अपने गर्व को एंड अपने होनर को अपनी इज्जत को और साथ ही साथ अपने नियमों को एक तरफ रख के मियामा के साथ हूँ, पर तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं अपने ये सब खो दूंगी तो मैं सब कुछ खो दूंगी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, इसके बाद शायद मैं मर जाऊं, पर तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम अपने लाइफ की रिस्क किसके लिए लोगे, किस चीज के लिए लोगे। इतना सुनने के बाद जो सोमो होता है वो इशारा करता है यूजिनो की तरफ, बट वो अपनी बात को बदल देता है एंड कहता है कि तुम्हारे सर पे एक कीड़ा है। ये सुनकर वो कहती है कौन सा कीड़ा, वो उसे निकालता है और बताता है कि देखो ये कीड़ा था तुम्हारे सर पे, तो कहती है हाँ एक्चुअली मैंने सुबह में ब्रेड खाया था, हो सकता है उसी का कीड़ा। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर जो सोमो होता है कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने इज्जत को एंड तुम अपने रूल्स को किसी के लिए ना फेंको, ये सब अब तुम्हारे हाथ में है यूजिनो। उसके बाद हमें यूजिनो जो है वो उसको गुड बाय कहती है सोमो को, सोमो उसके गले लगता है एंड उसको यूजिनो से कहती है कि तुम जरूर से कॉलेज जाना, कॉलेज मिस मत करना। एंड ये सब चीजें जो होता है किरिश्यामा मियामा किरिश्यामा ये सब चीजें देख रहा होता है दूर से छुपके, एंड उसको जो है बहुत ही जेलस फील हो रहा था है इन दोनों को एक साथ देख के। अगला सीन में दिखाया जाता है जहां पर मियामा किरिश्यामा एंड यूजिनो दोनों मिलकर जा रहे होते हैं कॉलेज या कह सकते हैं स्कूल ट्रेन से, और ट्रेन में आज बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। यूजिनो से पूछती है कि आखिर इतनी भीड़ क्यों है, तो मियामा से बताता है कि एक्चुअली यहाँ पे एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल है इसलिए यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है। अगला सीन में दिखाया जाता है जहां पर भीड़ के कारण वो दोनों बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं एंड जो यूजिनो होती है कहती है कि मुझे इसके शरीर का टेम्परेचर साफ महसूस हो रहा है इस पास आने के कारण। एंड तभी जो किरिश्यामा होता है यूजिनो से पूछता है, वो सोच रहा होता है एंड उसके बाद बोलता है कि मैं इस बारे में सोच रहा हूं कि अभी क्या होने वाला है। तो जो यूजिनो होती है वो पूछती है क्या होने वाला है, तो कहता है उससे अच्छा एक बात बताओ अगर तुम्हें कोई मार डाले तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम क्या करोगे। वो कहती है कि आखिर मुझे क्यों यहाँ पे कोई मारेगा, एंड वो बात बदल लेती है एंड उसे बोलती है तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी और जब मैं स्कूल जाया करती थी तो उस समय मैं हमेशा जो है वो ड्राइवर के साथ स्कूल जाया करती थी, पर वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैं हमेशा चाहती थी कि मैं अकेले स्कूल जाऊं। एंड उसके बाद मैंने जब मैं मिडिल स्कूल में थी तो चल के स्कूल जाना शुरू किया सोमा के साथ और वो मुझे काफी ज्यादा पसंद था। इतना कहते ही उसको एक अजीब सी फीलिंग होती है एंड मियामा से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, वो कहती है कुछ नहीं हुआ। एंड उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। जब वो स्कूल में पहुंचते हैं तो जो यूजिनो होती है वो सोच रही होती है उस फीलिंग के बारे में कि आखिर वो किस टाइप की फीलिंग थी, उसने ये फीलिंग पहले भी जरूर महसूस की है कहीं पे। तभी उसे याद आता है कि हाँ जब मैं टोक्यो आई थी तब मुझे ये फीलिंग महसूस हुई थी जब जो किरिश्यामा था वो मुझसे बोर हो गया था, क्या सच में वो मुझसे फिर से बोर हो गया है इसलिए मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है। एंड वो सोचती है कि आखिर मैं अब क्या करूं कि वो मेरे प्यार में फिर से डूब जाए। एंड उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पे वो अपने घर में होती है एंड वो अपने ड्रेसेस को तैयार कह सकते हैं ड्रेसेस पहन के दिख रही होती है कि वो उसके ऊपर कैसे लग रहे हैं। एंड उसके बाद वो कहती है मुझे लगता है कि ये वाला ड्रेस अब मैं अगले साल नहीं पहन पाऊंगी। एंड उसके बाद वो बोलती है कि ये क्या, मैं तो अपने सारे ड्रेस को ऐसे निकाल रखा है जैसे कि मैं अब यहां से छोड़ के जा रही हूं। और उसके बाद वो अपने दिमाग को शांत करती है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपने जो क्लॉथ्स हैं उनको शॉर्ट आउट कर रही हूं समर वेकेशन के लिए। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो अपना दरवाजा खोलती है मियामा किरिश्यामा उसके सामने आ जाता है, ये देख के वो चौंक जाती है और उससे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मियामा किरिश्यामा से बोलता है कि मुझे पार्सल मिला है ओजाका से जो कि तुम्हारे लिए, वो उसे लेती है और थैंक यू कहती है। तभी मियामा उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम यहाँ से जाने वाली हो, वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी उससे कहती है अच्छा एक बात बताओ क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, क्योंकि मुझे ऐसी ही इंटेंशन फील हो रही है, क्योंकि तुम जब भी मेरे पास होते हो करीब होते हो तो मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब सी फीलिंग आती है, क्या ये सब इसलिए है क्योंकि तुम मुझसे बोर हो गए हो। तो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर क्या ये इस वजह से है क्योंकि वो तो क्या ये सब सोमा की वजह से है क्योंकि हम दोनों इतने पास हैं। तो कहता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है बट हाँ हो सकता है कि इस वजह से भी हो। इसके बाद वो कहते हैं जरूर ये बात सोमा से ही रिलेटेड है, अच्छा एक बात बताओ अगर मैं उसको डेट कर रही होंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा।
वो कहता है देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे डेट करो या ना करो, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, बट अगर तुम किसी ऐसे इंसान के लिए जिसको तुम ओजाका में मिले एंड उसके लिए उससे प्यार करती हो, उसके लिए तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो, तो ये मेरे लिए ओके है। बट हाँ, मेरी ये कंडीशन जरूर है कि तुम जो कुछ भी करो, अगर तुम किसी को डेट कर रही हो या चाहे तो तुम किसी को किस करो या जो भी करो, सब कुछ मेरे सामने करना, मेरे आंखों के सामने, चाहे तुम उसे किस करो या कुछ और करो, बस सब कुछ मेरे सामने करना, किसी बिल्कुल भी पीठ पीछे मत करना। और वैसे भी मैं जो हूँ वो तुम्हारे साथ प्यार में हूँ, समझे, तो मैं जो हूँ तुम्हारे से जीत नहीं सकता, मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकता, बट हाँ ये बात मेरी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड मेरे लिए इतना ही काफी है। उसके बाद वो बोलता है उसे कि देखो तुम्हें चाहे उसके साथ किस करना हो, चाहे तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करना हो, जो भी करना हो मेरी आंखों के सामने करना, बट हाँ ये होगा जरूर कि एट द एंड मैं उसको मार दूंगा एंड सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद जो यूजिनो होती है कहती है क्या बात करो, क्या तुम एंड में सोमा को मार दोगे? वो कहता है बिल्कुल, जो भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा मैं उसे एंड में मार दूंगा। इसके बाद जो यूजिनो होती है कहती है देखो ऐसा कुछ नहीं है, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं है, वो तो मेरा फैमिली मेंबर है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे तुम पे विश्वास है। उसके बाद यूजिनो से कहती है देखो ये सब तो नॉर्मल है, वो मेरा फैमिली मेंबर है तो ये तो नॉर्मल सी बात होगी ना कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होंगे। तो वो उससे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वैसे भी वो तुम्हारा कोई ब्लड रिलेटेड तो नहीं है। तो यूजिनो कहती है कि हाँ मैं जिस फैमिली के साथ रहती हूँ मेरी ब्लड रिलेशन में नहीं है, बट वो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो मेरे फैमिली जैसे हुए ना, उनके साथ मेरा कोई ऐसा वैसा रिश्ता तो होगा नहीं। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पे वो कहती है मुझे लगता है कि तुम सोमा से जेलिस फील कर रहे हो क्योंकि वो मेरे साथ इतना करीब है। देन वो कहता है कि हाँ हो सकता है मुझसे जेलिस फील कर रहा हूँ तो क्या। उसके बाद वो कहती है कि सुनो तुम्हें मेरे लिए बदलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो बात सुनो मेरी, मैं यहाँ पे आई हूँ तुमको डम करने के लिए, मैं एक साल तुम्हारे साथ रहूंगी उसके बाद तुम्हें डम करके चली जाऊंगी, अगर तुम इस एक साल में मुझे अपने प्यार में गिरा लेते हो तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, ये मेरा तुमसे वादा है, पर तुम्हें इसके लिए बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा आइडल मैन बनने की जरूरत नहीं है, इससे मैं इम्प्रेस नहीं होंगी, बल्कि तुम वही बने रहो जो तुम हो असलियत में एंड मुझे उसी में तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे मैं तुम्हारे प्यार में गिर जाऊं। ये बात सुनकर जो कृष्णा होता है कहता है मैं जानता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगी, मैं इसीलिए तुमसे प्यार करता हूँ यूजिनो। एंड उसके बाद वो कहती है कि मुझे मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, तुम्हारी बातें सुनकर मैं पागल हो रही हूँ। वो कहती है मैं जा रही हूँ चेंज करने, अब तुम अपने घर जाओ। वो कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? वो कहती है नहीं तुम जल्दी से यहाँ पे निकल जाओ। एंड में अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबह में यूजिनो उठती है उसको कोल्ड हो जाता है एंड वो कह रही होती है कि मुझे लगता है आज स्कूल से छुट्टी लेनी होगी। तभी वहां पे मियामा कृष्णा आ जाता है उसका सामान लेके और यूजिनो से कहती है कि तुम इतनी जल्दी आ गए, मैंने बस 3 मिनट पहले ही तुम्हें ये बोला था एंड तुम 1 किलोमीटर चल के गए एंड वापस वहां से सामान लेके आए, तुम बहुत ज्यादा फास्ट हो। उसके बाद अपना मूड होता है एंड जो यूजिनो होती है उससे बोलती है कि मेरे लिए बहुत ही रेगुलर इवेंट की तरह है क्योंकि हर समर में मुझे जो है वो कोल्ड हो जाता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारी मैं देखभाल करूंगा। ये सुनकर यूजिनो कहती है कि ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो जो कृष्णा होता है कहता है क्या तुम्हें मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं? तो कहती है नहीं मेरे को हॉस्पिटल से डर लगता है। एंड वो उसको पुश करते हुए कहती है तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम स्कूल जाओ। तो वो उसका हाथ पकड़ कहता है कि तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। उसके बाद वो स्कूल चला जाता है, पर स्कूल में जब वो यूजिनो को कॉल करता है तो यूजिनो कॉल नहीं उठाती है। देन वो अपने टीचर से कहता है कि मुझे कुछ काम है एंड वो वहां से चला जाता है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहां पे वो एक इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है एंड वहां पे कुछ लोग जो होते हैं वो एक होटल के कमरे से भाग गए होते हैं। तो ये बात वो फोन करके मिस्टर ताचिबाना को बताता है और बोलता है कि किसी को यहाँ पे भेजने के लिए। एंड उसके बाद वो कहता है जो उस वो मालिक जो होता है उस होटल का उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था किसी भी याजुका के इंसान को यहाँ पे शामिल नहीं करने के लिए, पर तुमने तो ऐसा ही कर दिया। तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं याकूजा से नहीं हूँ, मैं याकूजा से ही हूँ। एंड उसके बाद कहता है कि जो भी यहाँ पे लोग आने वाले हैं तुम उनको प्रोटेक्शन फीस दे सकते हो, अगर तुम्हारे पास प्रोटेक्शन फीस नहीं है तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम अपने होटल का कोई भी सामान उन्हें दोगे तो वो रख लेंगे। एंड उसके बाद वो उसके घर पे जाता है यूजिनो के घर पे, पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। उसके बाद वो अपने चाबी से उस दरवाजे के ताले को तोड़ता है एंड अंदर घुसता है, देखता है कि यूजिनो को बहुत ज्यादा बुखार है। वो उसे उठाता है एंड वो ताजीवानों को फोन करके कहता है कि तुम मेरे लिए एक कार भेजो, मैं यूजिनो को हॉस्पिटल ले जाना चाहता हूँ एंड उस कार में एसी होना चाहिए। वो उसको पकड़ता है एंड उस कार में बिठाता है एंड उसे अपनी गोदी में बिठाता है कार में लेके। एंड यूजिनो उसके पास फीलिंग बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में होती है, वो उसके पास बैठी होती है और उसे कह रही होती है तुम्हारे शरीर से किस तरह की खुशबू आ रही है। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां सुबह में जो यूजिनो को लेके मियामा कृष्णा वापस घर आ जाता है एंड वो फोन करता है जो बॉस होते हैं सोमी उनको एंड कहता है कि जो यूजिनो है उसकी तबीयत खराब है। तो वो कहते हैं मुझे माफ कर देना, तुम्हें उसकी देखभाल करनी पड़ रही है।
तो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि मैं अगर ये मान सकता हूँ कि वो मुझसे दूर दूर भागेगी क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती है, इसके लिए मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, बट हाँ उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी अगर तुम मुझे प्यार में गिरा लो, ऐसा सुन के मेरे को थोड़ा सा जीत लगा। तो जो सोमी होते हैं उसे बताते हैं कि देखो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मेरे जैसे ही है कुछ बातों में, एंड इसके बाद ही जो हमारा एपिसोड 4 है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।